आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी 14 विधायक मध्य प्रदेश के अगवा करके ले गई थी। प्रजातंत्र का चीर हरण कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख अब मध्य प्रदेश में मिटाना चाहती है। एक सुनियोजित माफिया गिरोह जिन पर मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाम लगाया, वो माफिया गिरोह भी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना चाहता है। 11 अलग अलग माफिया चिन्हित करके, माइन माफिया, चिटफंड माफिया, सहकारी माफिया, एक्सटोर्शन माफिया, इन सब पर एक सुनियोजित तरीके से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगाम लगा दी थी, जो 15 वर्षों से चला आ रहा था। व्यापम घोटाले के जो दोषी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा था। चिटफंड और टेंडर स्कैम में भाजपा नेताओं के की संलिप्तता की परतें खुल रही थी और उन्हें लगा कि अब केवल और केवल न्याय के मुताबिक जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का। क्या खट्टर साहब, अमित शाह साहब, नरोत्तम मिश्रा साहब और शिवराज सिंह चौहान जी बताएंगे कि स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से एक दर्जन एमएलए को हरियाणा में मानेसर के एक 5 सितारा होटल में कौन लेकर आया था? क्या अमित शाह जी, नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी बताएंगे कि 3 कांग्रेस के विधायकों को और 1 इंडिपेंडेंट विधायकों को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से बेंगलोर ले जाकर वहां एक 5 तारा होटल के विलाज में किसने रखा हुआ? ये तो मध्य प्रदेश के विधायक मुस्तैद हैं कि 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त से छुटकर वापस आ गए, नहीं तो खरीद फरोख्त, आया राम गया राम और विधायकों की मंडी लगाकर प्रजातंत्र का चीरहरण करने का इंतजाम किया हुआ था। पर वो इस मंसूबे में, जैसा आजाद साहब ने कहा, जैसा तनखा साहब ने कहा, जिस प्रकार से हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, वो कभी कामयाब नहीं होने वाले। सर, आप इतने षड्यंत्रों का आरोप लगा रहे हैं, आपके खुद के मंत्री उमंग सिंघार कह रहे हैं ये तो राज्यसभा की लड़ाई है और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की लड़ाई है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सरकार सुरक्षित है, राज्यसभा के लिए लड़ाई है। अरुण जी, एक आप जैसे खोजी साथी ने नरोत्तम मिश्रा जी का वीडियो जग जाहिर किया है, काश आपका चैनल का समूह उस वीडियो को दिखाने का साहस कर सकता। उस वीडियो में और उसकी वेरेसिटी आप जांच करेंगे, उसकी सच्चाई आप जांच करेंगे, पर आनंद जी नाम के एक खोजी साथी ने वो वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर लगाया है, उसी ट्विटर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जहां यह कहते भी सुने गया है कि इसी प्रकार से पाठक नाम के एक साथी को हम पहले लाए थे जो एक बड़ा माइंस का काम करते हैं और उसके बाद उन्हें मंत्री पद पहले देंगे, चुनाव बाद में होगा इस्तीफा देके। क्या कभी किसी साथी ने उसकी जांच की? मैं आपसे भी यह आग्रह करूंगा, मीडिया के साथियों से, वो चार्टर प्लेन के पैसे किसने दिए? गुड़गांवा मानेसर के अंदर उस 5 तारा होटल में उन विधायकों की खरीद का पैसा किसने दिया? उनको एक चार्टर प्लेन से बैंगलोर ले जाने का पैसा किसने दिया, जहां येदुरप्पा जी की सरकार है जो जेल की हवा खाकर आए हैं ऐसे ही आरोपों में, और वहां 5 तारा होटल के विलाज में 4-4 विधायकों को अगवा करके कौन रखे हुए हैं? अगर ये 4 सवाल मोदी जी और अमित शाह जी आएंगे, आप अगर उनसे पूछने का साहस कर सके तो सच्चाई सामने आ जाएगी।